एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों की। आज हमारे पास इस क्रम में कुंडली है सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्मों के अभिनेता हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 21 जनवरी 1986 को बिहार में हुआ था। सर्वप्रथम उन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया। उसके बाद एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्तों से उनको पहचान मिली। फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। काय पोछे में वे बहुत मुख्य भूमिका में थे और बड़ी सराही गई वो फिल्म, बड़ी तारीफ हुई उनकी और फिल्म का कैरियर उनका चल पड़ा इस फिल्म के साथ में। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इन्होंने मोस्ट पॉपुलर एक्टर मेल का अवार्ड जीता 2010 के अंदर। इसके साथ बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में बेस्ट टेलीविजन एक्टर का अवार्ड भी इनको मिला। 2013 में काय पोछे के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेन डेब्यू के अवार्ड से सम्मानित किया गया। MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी जो कि क्रिकेट स्टार धोनी के जीवन पर आधारित थी, इस फिल्म में उन्होंने बेजोड़ अभिनय किया, बहुत मेहनत की। एक क्रिकेटर के जीवन को पर्दे पर उतारने में जो उन्होंने मेहनत दिखाई सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई और श्रेष्ठ अभिनेता का सीने अवार्ड क्रिटिक अवार्ड उन्हें मिला। आइए उनके जीवन पर हम उनकी प्रचलित कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो हमारे पास उनकी कुंडली है, जो उपलब्ध कुंडली है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है राहु का लग्न में होना। मित्रों, राहु जब लग्न में होता है तो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। और आप देखें, एक साधारण परिवार से सुशांत सिंह राजपूत निकल करके अपनी जो प्रतिबद्धता, अपने जो अपने शरीर पर किए गए उनके प्रयास और अपने आप को साधने की जो ताकत है, वो ये कुंडली हमने ली इसलिए है क्योंकि बहुत सारे संघर्षशील जो लोग हैं, जो आज अपने आप को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, वो कैसे हों उनके सितारे, कैसे वो परिश्रम करें, क्या चीज़ उनके कुंडली में होना आवश्यक है, उस क्रम में ये कुंडली ली गई है। ये संघर्षशील व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को खुद बनाया, कोई गॉडफादर नहीं, कोई पीछे से बैकअप नहीं, और फिर उसके साथ इनको सफलता मिलते चले जाना, ये श्रम की और अपने आप पर नियंत्रण की, अपने आप पर अनुशासन की, अपने आप पर किए गए प्रयासों की ऊंचाई को दर्शाता है। मित्रों, यहाँ पर राहु लग्न के अंदर उन्होंने एक इनको जिस क्षेत्र में ये चाहें उसी क्षेत्र में सफलता लेने के लिए, परिश्रम करने के लिए बाध्य किया। साथ ही साथ लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि, यानी कि लग्नेश मंगल अगर लग्न को देखे मित्रों तो क्या स्थिति होती है, वो एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत जुझारू होता है। मंगल जो है खेल का भी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखें इनको दो फिल्में जिसके अंदर इनको सफलता मिली, वो दोनों फिल्में कैसी थी, जो खेल से जुड़े, यानी कि एक पतंग मतलब वहाँ पर उस जो काय पोछे में पतंगबाजी का भी एक अच्छा उसमें प्रदर्शन था, यहाँ क्रिकेट का था दूसरी फिल्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक जो है उत्साह और उमंग से जोड़ करके जो कार्य हैं उनके अंदर ये मंगल यहाँ पर उनको समर्थन देना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह मित्रों, जो सैकड़ों कुंडलियों में से आपको समझा चुके हैं, वो है सूर्य और बृहस्पति का दशम स्थान में जाना। यहाँ एक बार फिर सूर्य जो है दशम स्थान में है, बृहस्पति उनके साथ हैं, तो उनके कार्यों को, इनके प्रयासों को ईश्वरीय मदद मिल जाती है और ये मदद किसी व्यक्ति को संचित पुण्यों के माध्यम से मिलती है। आप आपके संचित पुण्य हैं, आपने अगर अच्छा सोचा है, अच्छा करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे आपको जीवन में वो सफलताएं मिलती चली जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जिसके दशम बृहस्पति हो, सूर्य के साथ हो, तो वो व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति फोकस है। दूसरों को अड़चन देना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के प्रति नकारात्मकता, इस व्यक्ति को जैसे आता ही नहीं हो, वो अपने कार्य, अपने फोकस, अपनी चीज़ को बेहतर बनाने में ही दिन रात लगे रहने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो जो लोग श्रम करना चाहें, जो आगे बढ़ना चाहें, जो जिन्हें जो संघर्षशील हैं, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बात समझने की आवश्यकता है मित्रों, कि वो दूसरों के प्रति उन्हें उदारता होना जरूरी है। यहाँ चंद्रमा उच्च का दूसरे स्थान में, आप इनके चेहरे पर जो इनोसेंस, जो एक इमोशंस लाने का जो इनका भाव है, इन डायलॉग अदायगी है, उसमें जो मासूमियत है उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो जब कभी भी जिन भी कुंडलियों के अंदर शुक्र या चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति में हो, तो आप समझ सकते हैं कि कला के क्षेत्र में आपका कोई ना कोई स्थान बनता है। शुक्र और चंद्रमा ही वो ग्रह हैं मित्रों जो आपको कला के क्षेत्र के अंदर ऊंचाई दिला सकते हैं। साहस सूर्य जरूर दिला सकता है, बृहस्पति आपको ऊंचाइयां दिला सकता है, लेकिन कला के क्षेत्र में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ शुक्र बृहस्पति के साथ बैठ करके, सूर्य के साथ बैठ करके, ये ऊंचाई दशम स्थान में बैठा हुआ शुक्र आपको ये उन कार्यों से जोड़ता है जो शुक्र के कार्य।
तो टेलीविज़न, फिल्म और उसके बाद ऊंचाइयां लगातार मिलते जाना इस कुंडली का। आप देखेंगे आगे कि ये कुंडली एक बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों को पाती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे कि इनको एक बड़े अवसरों से लगातार जोड़े रखे गए इनके ये सितारे। और आने वाले 2023-24 जब आएंगे, जब बृहस्पति हो चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगे। अंकों का इनमें आज के दिन को देखें तो आज का मूलांक 3 है जो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, भाग्यांक 8 है जो शनि को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों का साथ अगर हम आकाशीय स्थिति में भी देखें तो बृहस्पति और शनि साथ हैं, और इसके मायने ये हैं कि 2-3 दिन का ये साथ है। अब कुछ दिनों बाद बृहस्पति और शनि अलग हो गए, शनि मकर राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति धनु राशि में ही रहेंगे। तो ये जो इसका शुभत्व है, इसका जो एक तकनीकी और ज्ञान का जो संबंध है, जो जो बुद्धि कौशल और मेहनत का जो दिन है, वो अब बिल्कुल उस जगह पर खड़ा है जहां से ये दोनों अलग हो जाएंगे। हालांकि मार्च के अंदर बृहस्पति फिर जो है मकर राशि के अंदर पहुंचने से दोनों का साथ होगा, तो जो भी लोग, जो भी जो शिक्षार्थी हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए विलक्षण दिन है ये एक दो। आज 3 और 8 का मिलन इस बात को दर्शाता है कि पिछले दिनों किए गए आपके कार्यों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ज्ञान और मेहनत का की ऊंचाइयों का दिन है आज। आज अगर आप कोई कोशिश ऐसी करना चाहते हैं जिसके अंदर ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें मेहनत की आवश्यकता है, तो आज वो कोशिश करने का दिन है। आपको उस कोशिश के बहुत ऊंचे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आज अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि ये कार्य बहुत दिनों से नहीं हुआ, पुरानी कोई चीज़ है, पुराना कोई ज्ञान है, पुरानी कोई थ्योरी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत दिनों से काम नहीं हुआ था और उसको एक रोशनी में लाना है, उसके लिए भी आज बहुत बेहतर दिन है। इसके साथ आज खोज के लिए भी बहुत बेहतर दिन। आज अंतरिक्ष के अगर कोई चीज़ें सीखने जानने का बहुत अच्छा दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है धन के लिए कार्य करने का। बृहस्पति जब किसी भी दिन के अंदर उसका अगर रोशनी मिल रही हो तो धन के लिए प्रयास करने का वो बेहतरीन दिन होता है। तो आज अपने प्रयासों में कोई कमी आप ना आना दें। मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, वो भी लोग आज अगर कोई अपना प्रस्ताव लेकर के मार्केट में जाएंगे, अपने लोगों के सामने जाएंगे, आप देखेंगे आपकी मेहनत को कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।